आज कणकण में भगवान का नहीं बल्कि रावण का है वास। जिसको भी देख लो, आज हर कोई कर रहा है खुद को बेहतर दिखाने का ही प्रयास। मुखौटे ओढ़ रखे हैं आज हर इंसान ने, अनजान है हर कोई आज अपनी असली पहचान से। चाहता है कि पालू मैं बहुत कुछ, लेकिन देने के नाम पर इंसान की नीयत है आज बिल्कुल ही तुच्छ। प्यार तो बस हो गया है जैसे कि एक व्यापार, भगवान से तो क्या। आज इंसान की किसी इंसान से भी नहीं मिलती है दिल की तार। ये कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है, जहां इंसान दिल से नहीं बल्कि दिमाग से सोच रहा है। है दिल में बैठा राम, है दिल में बैठा राम, और दिमाग में रावण फरमा रहा है आराम। दूसरों को कुछ नहीं समझता है वो, हूं मैं ही सबसे श्रेष्ठ यही समझता है वो। दूसरों की प्रेस, सहानुभूति और अटेंशन पर निर्भर करता है वो। है राम और रावण की अद्भुत ये लड़ाई, है राम और रावण की अद्भुत ये लड़ाई जो चल रही है हमारे भीतर ही, जिस पर विजयी प्राप्त करवाने के लिए स्वयं भगवान शिव पढ़ाते हैं ऐसी पढ़ाई कि छोड़ो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, रावण के हैं ये संस्कार, क्योंकि तभी आएगा स्वर्णिम संसार, जहां होगा हर एक के दिल में करुणा और प्यार। आज इस दशहरे पर मार दो अपने बैठे अंदर इस रावण को, और प्रभु ज्ञान को अपने दिल में समाकर समर्पण कर दो हर बुराई भगवान को। देते रहो पहरा अपनी हर सोच स्वभाव और संस्कार पर, तब देखो जागेगा आपके भीतर बैठा राम, और भगवान भी देगा आपको आपकी इस जीत के लिए एक सुंदर सा इनाम। आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति। Thank you.